और हमारी कॉफी रेडी हो चुकी है। जाने से पहले तुम लोगों को कॉफी के बारे में बता दें, क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट, प्रेजेंटेशन, अगर वही कॉफी अगर आप कहीं और जाते फिर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद घूम फिर गए हम लोग अपने फाइनल लोकेशन पहुंच गए कॉफी पीने के लिए। लास्ट टाइम हम लोग ने कोल्ड फिल्टर कॉफी पिए थे, इस बार आके हम लोग ये ले महाराजा कॉफी ऑर्डर किया है। ये कॉफी से वसई में है, काफी ज्यादा अच्छी है। तुम कैसे इसको ढूंढे? ढूंढा नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पर मेरी साइट से बहुत सारी तो मैं यहाँ पर विजिट करने आया था। एक दिन मेरे को कुछ एस्थेटिक दिख रहा मुझे तो मैंने फिर यहाँ पर कॉफी ली और हमारी कॉफी रेडी हो चुकी है। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसके नीचे व्हाइट कलर का वो है मिल्क और क्रीम, आई डोंट नो। अंदर बहुत सारा बर्फ है, आइस क्यूब है, बच्चों लोग के लिए नहीं है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और शक्कर भी नहीं है, एग्री है। अच्छा, वो भी यूपी का गुड़, ब्लैक गुड़। ये कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तीनों को इतना अफेक्ट नहीं करेगी ये, क्योंकि हमारी डोसेज थोड़ी सी है, हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं। जो कॉफ़ी नहीं पीता है उसके लिए टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल है, या हाफ कप में ही एकदम उसको नींद वींद सब उड़ जाती है इसकी, बट चलेगा। आज वैसे भी इसको नींद नहीं आने वाली है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आकिब भाई को अलविदा करने के लिए, मतलब यही हमको अलविदा करने के लिए आया है। लेकिन जाने से पहले तुम लोगों को कॉफ़ी के बारे में बता दें, कॉफ़ी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगी, बाकी ये लोग से पूछते हैं। मुझे क्वांटिटी बहुत अच्छी लगी उसकी, तो क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस देखें ना, फर्स्ट टेस्ट टॉप नॉच, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। जो अमाउंट प्राइस में वो कॉफ़ी मिल रही है, कितने रुपए की थी? 80 रुपए में, 80 रुपीज़ की वो इतनी कॉफ़ी थी। अगर वही कॉफ़ी अगर आप कहीं और जाते हैं स्टारबक्स कैफे में तो आपको 500 के नीचे इजीली। तो वही ऐसे ही हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, तो तुम लोगों को नई नई चीज़ें देखने मिलेंगी। तब तक सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या बोलूँ मैं, तो यही बोलूँगा क्या बोले तुम्हारे सब्सक्राइब करके ठीक है बड़े भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आप देखेंगे कि बैचलर्स लोग कैसे खाना बनाते हैं। पहले इसे अच्छे से धो लीजिए। ये आप देख सकते हैं एवोकाडो जूस को चटनी पीसने के जार में पीस रहे हैं। चिकन रेडी हो गया है,